किशनी पुलिस और स्वाट टीम ने किया अंतरजनपदीय लुटेरे का पर्दाफाश। किशनी पुलिस और स्वाट टीम ने एक अंतरजनपदीय लूट के गिरोह का पर्दाफाश कर लुटेरे गैंग के साथ शातिर बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 5 नाजायज देशी तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा देशी 12 बोर व 02 कारतूस जिंदा 12 बोर, 4,300 रुपए घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की है। किशनी पुलिस और स्वाट टीम ने एक लूट करने वाले अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए बदमाश अंशुल निवासी इरवा कटरा, अमित यादव निवासी, सुभाष कुमार निवासी भरथना इटावा, अरविंद बरनाहल मैनपुरी, अवनीश उसराहार इटावा, सोनू यादव किशनी मैनपुरी, रवि कुमार निवासी भरथना इटावा। पकड़े गए बदमाशों के इतिहास के बारे में पुलिस पता लगाने में जुट गई है। कौन निकाल सकते थे? मैं रियाल निकाल रहा हूँ, कौन दिक्कत ना यूथ ब्रिगेड है और से लेकर भापला है। इधर से लो, ऐसे इधर से ले लो, बढ़ा के लो ना हाथ इधर से। ये 4 तारीख को थाना किसनी में रात में एक शराब के शराब के सेल्समैन से लूट हुई थी। बिल्कुल बॉर्डर के अलावा और अररिया के बॉर्डर घटना थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम ने असफलता प्राप्त करते हुए 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उस घटना के दिन भी 4 लोग तो मौके पर थे और 3 लोग बैकअप टीम में थे। उनका सिस्टम बड़ा बहुत अच्छा है। इस 7ों में 1 व्यक्ति रहने वाला उस घटनास्थल के पास का है, वो सूत्रधार वही था। बाकी टीम औरैया और उधर कानपुर देहात और पटना साइड से आई हुई थी। अभी इनकी हाल में एक जनपद मैनपुरी में किसनी में ही एक पेट्रोल पंप पे गोली मार के लूट करने की योजना थी। उस योजना के पहले शातिर गैंग मिल गया है। पुलिस की सफलता है और हम उम्मीद करते हैं कि इसे आसपास के इलाके में घटनाओं पर काफ़ी रोक लगे। क्या कोई पुराना इतिहास भी अब सारा इतिहास खंगाल रहे हैं? सब लड़के नए हैं, न्यू कमर्स हैं। निश्चित उन्होंने घटनाएं और भी की होंगी, बट जानकारी कर रहे हैं और जानकारी के आधार पर और भी आगे कार्रवाई की जाएगी।